गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय डेली न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का डेली न्यू ब्लॉग पर, क्योंकि आज सुबह बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा हूँ मैं तो। रेडी हो चुका हूँ सारा, देखो कपड़े कुपड़े लगा के, यहाँ पर कोई नहीं है, सारी बेड बुड खाली हो गया, बस मेरा बैग इधर है और दूसरा बैग यहाँ पर है, देख रहे हो आप, देख रहे हो वो दो बैग देख लिया होगा। तो भाई अभी मैं रेडी होकर बिल्कुल तैयार हूँ, और जैसे वहाँ से फ़ोन आएगा तो वो पुलिस पता नहीं कैसे है ना, मैं शायद ट्रक में भी जाने का मौका मिले या ना मिले, तो दो ऑप्शन है यहाँ पर। अगर उन्होंने फ़ोन करके हाँ ट्रक में जाना है तो जा सकते हो, अगर बोलेगा उन लोग अगर बोलेगा तो फिर मैं क्या करूँगा उनका ट्रक में जाऊँगा, नहीं तो भाई अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ से बिहार के मुजफ्फरपुर जगह में जाएगा, तो वहाँ से वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, तब फिर मेरा सामान दूसरी गाड़ी में लोड होगा, दूसरी गाड़ी में लोड होगा। शायद इन्होंने बोला यहाँ से फिर जो छोटी ट्रक आई थी ना, उस ट्रक से दूसरा ट्रक में डालेंगे, उस ट्रक से फिर होगा। बाबू भाई मेरा सामान देखिए इतना टूट फूट हो जाएगी, तो जो कुछ भी हो है ना सामान, तो मैंने अपना सामान करूँगा, मैं मुजफ्फरपुर में अब यहाँ से रवाना हो जाऊँगा, ट्रक में जाऊँगा, शायद ट्रेन में जाऊँगा मैं तब। अब क्योंकि अभी ट्रक वाले अब तक फोन नहीं किया, 10 बजे अभी 10 बज गया, तो मैं भी सारा चीज़ रेडी करके बैठा हूँ। तो लेट्स गो, अभी टाइम कैसे हो जाती है, और उनका फ़ोन एक बार फ़ोन करता हूँ और उसी हिसाब से मैं चल लेता हूँ। लेट्स गो, अब क्या होता है, मैं एक बार फ़ोन कर लेता हूँ, उसके बाद फटाफट निकल लेता हूँ। चलो, और हाँ आज की लाइक एम है 10 लाइक है, 10 लाइक एम कर देना। आज कितना देर डे पता नहीं कितना, 7-8-9-10 दिन होगा आज, तो 30 डे का चैलेंज ले रखा हूँ, तो 30 डे में डेली ब्लॉग जरूर आएगा जरूर। सो गाइस, खाना पीना हो गया जस्ट अभी। मैं ना बहुत पहले आप लोगों को बताता हूँ, मैं दूसरा चैनल था वो, जो इस चैनल क्रिएट करने से पहले मेरा दूसरा चैनल था, उस चैनल में मैं क्या करूँ थोड़ा टेक के बारे में डालता था, उस चैनल में थोड़ा एक्टिव नहीं हो रहा हूँ अभी, बहुत टाइम से इनएक्टिव हो रहा हूँ, तो भाई इस कारण से उस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा कम कर रहा हूँ। तो भाई और उस चैनल से क्या था, जो भी ऑडियंस है थोड़ा बहुत हो सके तो इसमें आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत अभी 10-12 मिनट लाइव करके ख़त्म करके आया हूँ। नहीं होगा ये क्या, बहुत ज़्यादा पेंट पुंट लगा दिया, अभी इसी के ऊपर ऐसे सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी भाई BSNL का सिम तो ले लो, सिम तो ले लिया, बड़ा आसान से खुश होकर सस्ता में इंटरनेट पे आ गया भाई। कभी कभी आपके पास सिम 1 का डाटा ख़त्म हो जाती है तो सिम 2 का कभी भी यूज करने का मन होता है। मेरे पास अभी 1.5 GB पर डे इंटरनेट पैक मेरा जियो में ले रखा है, पर जियो का तो अच्छा खासा चलेगा मानता हूँ, लेकिन इंटरनेट पैक भी बहुत ज़्यादा महंगा है। अभी मैं मोबाइल से सारा सिम पे कर रहा हूँ, कोई वाईफाई अभी नहीं। डेली का वीडियो अगर उसका अपलोड करना है तो लगभग उसका बनता है 700-800 MB तो बन ही जाता है ना, तो 700-800 MB वो ख़त्म कर देगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत थंबनेल अपडेट करो, और थंबनेल के बारे में थोड़ा बहुत देख लो, इधर उधर करो, मिला वो अपलोड करते करते ख़त्म हो जाती है, 50% से भी ऊपर निकल जाती है, ऊपर ही निकल जाती है। मैं जब कोई वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो वीडियो अपलोड करके लास्ट में 50% से ऊपर हो जाती है। भले ऐसे ही क्या करें, तो है ना BSNL का सिम ले लो, सिर्फ किसकी चीज़ के ले लो, मैं तो वही चीज़ के लिया था। अभी फिलहाल इस टाइम में थोड़ा बहुत ऐसे हो रखी है ना, तो डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए थोड़ा इंटरनेट नहीं पहुँच रही है, एक कारण है ये। और BSNL सिम लेना है तो भाई कोई सिम सुम कोई इंटरनेट में चलाऊँगा, दबा के चलाऊँगा, वो चक्कर में मत ले लो। सिर्फ क्या ले लो आप, मैसेज कॉलिंग के लिए कोई मैसेज आता है तो वो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज बोल रहा हूँ तो आपको व्हाट्सअप मैसेज, ये नहीं फिर तो जो डायरेक्ट वाला भेजते हैं ना, वो वाला पहले ज़माने वाला, वो वाला मैसेज बोल रहा हूँ, वो मैसेज भेजो। और उसके बाद फ़ोन कॉल करोगे, कभी भी फ़ोन कॉल तो यार आपका कॉल डाइवर्टेशन बोलती है, एक बंदा को कॉल करूँगा दूसरा को लग जाती है। मेरे को ये BSNL बहुत पहले से मैं यूज़ कर रहा था, बहुत पहले से, तो मुझे पता है BSNL का क्या, इंटरनेट चलने का कोई नाम निशान होता ही नहीं है इनका, तो क्या करें। तो चलो भले अभी मैं यहाँ पर थोड़ी देर अब मैं निकलने वाला हूँ, तो बाकी अभी सामान सारा चीज़ यहाँ पर ऐसे ही है, बाकी इंडिया उधर ये हो रही है, जाने का मन हो रही है, कितना खुशी हो रही है। एक बात बताऊँ, किस किस का ये आदत है, मोबाइल बैक कवर में पैसा रखने का आदत किस किस का है। मेरा तो बहुत पैसा रखने का आदत है, कभी कोई कार्ड वगैरह वगैरह देखो ना कितना गंदा हो चुका है ना, फिर भी हमें इसको बहुत गंदा होती है फिर भी। राइट गाइस, जाने का टाइम हो गया, इस रूम के लिए हमेशा बाई बाय फोटो लगाया, इधर भी फोटो लगा हुआ है, इधर भी फोटो लगा हुआ है, यही याद रहेगी हमेशा हमेशा। ये तुलसी में ना पानी अभी जस्ट मैंने डाला हूँ, अभी जस्ट डाला, इधर से पानी बहता था लेकिन यहाँ से अब पानी बहने लगा, लेकिन सूख गया, पेट भी बहुत ज़्यादा सूख गया, इस कारण से डाल रहा हूँ। अभी बाय बाय तुलसी को भी बाय बाय करता हूँ।
बाय बाय माय रूम, बाय 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 बाय। लेकिन गाड़ी का क्या था, थोड़ा बहुत पंगा हो गई। मतलब यहाँ से मैं थोड़ा वह ट्रक के पास पहुँचते हैं ना, तो अलग अलग रास्ता जाना पड़ रही थी, तो इसीलिए मैं क्या करा, थोड़ा अलग रास्ता आया। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट जो कोई भी है वो गाड़ी नहीं मिल रही है। अब मैं थोड़ा और गाड़ियों का वेट कर रहा हूँ, और यहाँ से 14-15 किलोमीटर है, तो देखते हैं कोई गाड़ी होगा तो नहीं था, उसी हिसाब से देख के चल लेते हैं। ऊपर से पूरा गाड़ी चल रही है, इसका मतलब यहाँ से होगा। गाड़ी भी क्या यार, जो टाइम पर बोलते हैं ना वो वाला बड़ा वाला गाड़ी नहीं मिलते। मैं आगे जाकर ये वाला रोड है जो देख रहे हो ऊपर पुल, उस पुल से मैं जाने वाला हूँ। अभी वो है यहीं पे। अब यहाँ से यहाँ के लिए क्या गाड़ी में चढ़े, कार में बैठते ही आपको 50 रुपये लेना शुरू कर देगा। ये जगह भी निसार मिला का सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है, यहाँ पर आती थी। यहाँ हर जगह चारों ओर से रोडों रोड देखा, यहाँ 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया, आगे है 6 और उससे नीचे 7, बहुत सारा जगह एक ही जगह में। ट्राइपॉड नहीं था, इसलिए यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड बना के इसको क्या कर लिया, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम स्लेप्स दे दिया, सम टाइम के लिए यहाँ पर आप लोगों को दे दिया। भले गाइस आपकी यहाँ इतना मेहनत कर रहा हूँ, हर जगह जगह रास्ता रास्ता में क्या है था ना, वो है ना, आपने वैसे थे वीडियो बनाने का मन होता जरूर थे, क्या करें। तो चलो अभी यहाँ पर आया हूँ, तो मैं ट्रक के पास किसी दिन मैं पहुँचने वाला फ़ोन किया है ना, तो मैं बैठ के ट्रक में ही बैठ के जाने वाला हूँ। तो बाकी ये कोलकाता के पूना एक्सप्रेस बोला जाता है, यहाँ पर है ना, मैं आया हूँ वहाँ पर, ये जो देख रहे हो मतलब रोयल ओक वाली जगह में जहाँ पर फर्नीचर का सामान होती है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के मैंने लगभग 5-7 मिनट यहाँ पर बैठ के टाइम लैप्स कर लिया। वहाँ आते गया लेकिन थोड़ा आगे की तरफ आ गया यार, तो फिर अभी ऑटो से ये टोटो से बैठ के फिर दोबारा जा रहा हूँ। भाई साहब यहाँ तो पूरा ट्रक ही ट्रक है, सारा ट्रक ही ट्रक, बहुत सारा ट्रक है। मैं उसके अंदर हूँ और वहाँ पे ट्रक है। अभी रास्ता में देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए अगर कुछ उगर लेते हो कर लेते हैं। बाकी भाई तो वही अभी थोड़ी देर में गाड़ी निकल जाएगा। सो गाइस अपनी गाड़ी आई है, तो अभी थोड़ी देर में निकल जाएगा, मैं भी साथ में चलूँगा। मेरे को बुला रहा है, बैठे क्या हुआ, कुछ नहीं। बाप रे, ये भाई साहब है हमारे साथ जाने वाला अगले 24 घंटे तक। सो गाइस फाइनली हम ट्रक में चढ़ गए और भाई साहब आज का है पर खत्म करते, ज़्यादा कुछ है नहीं। और भाई साहब आज में एक उपी ले लेंगे क्योंकि हम 24 आवर लगेगा भैया ना, 24 घंटे लगेगा, 24 घंटे हम ट्रक में बिताएंगे और 24 घंटे ट्रक का एक्सपीरियंस कैसे रहेगा वो भी मैं आप लोगों को सारा चीज़ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 24 घंटे के लिए आप लोगों को देखने के मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, लाइक का एंड दस है, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।